इन दिनों सिद्धार्थनगर जिले में लगातार अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत पर स्वास्थ्य महकमा नींद से जाग उठा है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अवैध अस्पतालों के संचालन पर रोकथाम के लिए सदर तहसील के उसका बाजार के सिंह अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की गई, जिसमें से अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। मशीन को सील कर कब्जे में ले लिया गया। वहीं 5 डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एमएम त्रिपाठी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन चली हुई पाई गई, लेकिन चिकित्सक नहीं पाए गए। प्रबंधक ने बताया कि कुछ देर पहले अल्ट्रासाउंड करके गए हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा झूठा बताया गया। में जितने भी गैर पंजीकृत नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जाकर के चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ क्या कहानी पाई गई? यहाँ पर क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन चलती हुई पाई गई, लेकिन जो पंजीकृत चिकित्सक हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अभी 10 मिनट पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके निकले हैं, लेकिन जब पंजीकृत चिकित्सक से दूरभाष पर वार्ता की गई और उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया, तो लगभग 20 मिनट बाद यहाँ पर आए और उनके द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउंड उनके द्वारा नहीं किया गया है। वे केवल कभी कभार आकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जो पंजीकृत चिकित्सक हैं वो डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स में हैं, तो वो केवल अपनी विधा में ही अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हड्डी से जुड़े रोगों के संबंध में, बाकी और किसी चीज़ में अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो बोर्ड लगा मिला वहाँ 3 डॉक्टर का नाम यहाँ पर शो किया गया है जो कि यहाँ पर बैठते नहीं हैं, और एक डॉक्टर तो ऐसे हैं कि जो कि हमारे यहाँ से सीट वन पोस्टेड है, कहीं वहाँ उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ जो सुविधा देने के लिए लिखा गया है टीफा सेकंड लेवल, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इन घोर अनियमितताओं को देखते हुए यहाँ का अल्ट्रासाउंड मशीन सीज करके थाने भिजवाई जा रही है और सेंटर को सील किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सर पहले भी अल्ट्रासाउंड सीज बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर आने पर पता चला कि जस्ट बगल के कमरे में जो वर्तमान प्रबंधक हैं यही नाम बदल करके दूसरा अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाते थे जो पूर्व में सील किया गया था, और वो सेंटर अभी भी सील है। नाम बदल करके पुनः जो दूसरा सेंटर संचालित कर रहे थे, इन अनियमितताओं को देखते हुए आज लोग सेंटर को सील करके मशीन थाने भिजवा दी जा रही है। आगे की कार्रवाई क्या सर? आगे की कार्रवाई प्रबंधक के और खिलाफ FIR दर्ज होगा और चिकित्सक भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।